नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बेखौफ दबंगों का दुस्साहस जारी है। पिछले 24 घंटों में विभिन्न वारदातों में 11 लोगों की हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में दो पुलिस के जवान भी शामिल हैं। ये वारदात यूपी की कानून व्यवस्था की चीख चीख कर गवाही दे रही है। सोनभद्र में दबंगों ने जमीन की खातिर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 9 लोगों की हत्या कर दी। वही संभल में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी और 3 कैदियों को छुड़ा लिया। ये जनपद संभल से ये लोग जा रहे थे, कोर्ट पेशी में आए थे, चंदौसी कोर्ट में पेशी के लिए, और वहाँ से मुरादाबाद जेल को जा रहे थे। वैन जा रही थी ये, जिसमें टोटल 24 कैदी सवार थे, और ड्राइवर को पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। उसने गाड़ी रोका तो देखा पीछे से जो कैदी हैं उन लोगों ने उसमें 2 हमारे सिपाहियों को गोली मार दिया और यहाँ से 1 राइफल लेकर के भाग गए हैं, और 2 जो हमारे सिपाही घायल थे वो उनको अभी डेथ हो गई है, और 3 कैदी भागे हैं। इनके बारे में कॉम्बिंग किया जा रहा है, लगातार इस क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में सामूहिक हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उधर संभल में कैदियों को ले जा रही पुलिस की एक टीम पर कुछ दबंग बदमाशों ने हमला कर दिया और गोलियों की आवाज से पूरा क्षेत्र दहल गया। दरअसल आपको बता दें, इस गोलीबारी में 2 पुलिस के जवान भी शहीद हो गए हैं और वहीं दबंग बदमाश 3 कैदियों को लेकर फरार हो गए। अब एक ही दिन में उत्तर प्रदेश में ये 2 बड़ी वारदात होने के बाद योगी सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस दावा तो बड़े बड़े कर रही है कि बहुत ही जल्द इन अपराधियों को गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेखौफ दबंगों ने यूपी में जिस तरीके से ये माहौल हो रहा है, 11 लोगों की हत्या हो गई है जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट नजर आ रही है। यूपी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं दबंग, कि उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों की हत्या कर दी है। आपको लगा दे बता दें कि लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां यूपी में कानून व्यवस्था चौपट नजर आती है और उसका नजारा। और एक बार फिर हमारे साथ योगेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था चौपट नजर आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल रोशनी, आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 2 पुलिसकर्मियों समेत कुल 12 लोगों की हत्या हुई है, और ये एक बहुत बड़ी वारदात है उत्तर प्रदेश में हुई है। राज्य के संभल में जो घात लगाकर बैठे बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर जो हत्या कर दी है, और इसके साथ ही 3 कैदियों को छुड़ा करके भी फरार हो गए हैं। इससे पहले अगर ये मामला से जस्ट पहले जो सोनभद्र में बेखौफ दबंगों ने जमीन विवाद में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और 9 लोगों की हत्या हुई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये 2 बड़ी वारदातें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उधर अगर सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में का मामला शांत भी नहीं हुआ था, ठंडा भी नहीं हुआ था, और उतनी ही देर में इधर जो संभल का मामला सामने आया है। और जिस तरह से एक तीसरी बात ये है कि इधर 2 घटनाएं जब हो रही थी, तीसरी तरफ ये लखनऊ में पुलिस मुखिया डीजीपी ओपी सिंह जो है वो बैठक कर रहे थे और कानून व्यवस्था चाक चौबंद की दुहाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ी घटना बड़ी वारदातें जो हो रही हैं ये सामने जो आ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दुहाई देते हैं कि बहुत सुधरी हुई है पिछली सरकारों की तुलना में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है। जी जी, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाते? बिल्कुल, देखिए रश्मि, जिस तरह से बात की जा रही है कड़े कदम की, अगर को जो जब ये मामला सामने आया है, इसके पहले के भी जो भी मामले सामने आए हैं, पुलिस कहीं ना कहीं उस पर नाकाम होती हुई दिखती है, और आज जिस तरह कल जिस तरह से मामला जो सामने आया है उसके लिए भी पुलिस दावे तो ठोक रही है कि हम कर रही है कि हम बहुत जल्दी ही ये जो दबंग हैं उनको अपनी गिरफ्त में लेंगे और साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम का गठन कर दिया है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग ली है दोनों घटनाओं की,
क्योंकि जिस तरह से जो सोनभद्र की घटना है, 9 लोगों की एक साथ हत्या बहुत बड़ी घटना है, और वहां पर जो मामला सामने आ रहा था कि वो बिहार का आईएएस, कोई दबंग आईएएस था जिसकी जमीन थी, उस जमीन को लेकर के जो विवाद हुआ है, और उसमें जो वहां के एसडीएम की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिसको लेकर के क्योंकि जो एसडीएम की लापरवाही ये है कि डीएम ने निर्देश दिए थे कि उस जमीन का सही तरीके से मुआयना किया जाए, लेकिन उसका मुआयना आईएएस के पक्ष में किया गया है जो बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो लोग लोकल रह रहे थे वो बहुत पहले से रह रहे थे, और उसमें जो किया गया है वो पक्षपात किया गया है, आईएएस के होते हुए एसडीएम ने पक्षपात किया है, जिसको लेकर के वहां के जो लोकल लोग थे, लोकल ग्रामीण थे, उनमें काफी वो उग्र लोग हो गए, और उसके बाद जिस तरह से जो ये घटना घटी है, क्योंकि जो दबंगई वहां की गई है, एक साथ 9 लोगों को मार देना बहुत बड़ी घटना हो गई है, और 2 लोगों को वहां पर जो बात बताई, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 2 लोगों को हालांकि गिरफ्त में ले लिया गया है, आगे भी लगातार कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज जिस तरह से आज एक बात और बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र भी शुरू हो चुका है, हालांकि विपक्ष ने इस बात को उठाया, लेकिन क्योंकि विपक्ष से बिल्कुल शून्य नगण्य दिखता है, विपक्ष केवल एसी में बैठे हुए काम करना चाह रहा है, धूप में नहीं निकलना चाह रहा, सड़क पे नहीं उतरना चाह रहा, इसलिए सदन में जिस तरह से वो आवाज एक तो उठाई कानून व्यवस्था की, लेकिन नगण्य के बराबर केवल फसदायगी थी कि लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है या नहीं उठाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के आम जनमानस में जो मैसेज जा रहा है वो बेहद नकारात्मक जा रहा है, क्योंकि दुहाई भले ही उत्तर प्रदेश सरकार दे रही लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने की, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर के जो आम जनमानस, जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं परेशान दिखती हुई नजर आ रही है। जी योगेश, आप हमारे साथ, अगली खबर बने रही है।